हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं अमित कुमार। आ जाइए जल्दी से जल्दी, फटाफट इसमें क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन चलते हैं आगे। इसमें देखते हैं, आज मैंने इसमें क्वेश्चन कुछ बहुत सारे रखे हैं, मैंने 15 क्वेश्चन कर दिए हैं एक्स्ट्रा, जिससे आप लोग सभी इसमें आ जाइए और क्लास भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? हाँ ओके, चलिए। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले जानते हैं, लेट्स क्रैक यूपीएससी जेएसबी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसमें हम क्रैक करेंगे, क्रैक करने के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले जानेंगे अनअकैडमी से क्या क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट हियर, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इन लाइव क्लासेस यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, एंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स एंड आंसर पोल ऑल व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन, ओके। एंड नेक्स्ट इज, आप कह सकते हैं कि लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में क्या है कि व्हेन यू लुक योर प्रिपरेशन विद योर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड द क्विजेज एंड गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज, ऑल योर परफॉर्मेंस आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस। टू हेल्प द बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट एंड अनलिमिटेड एक्सेस, वन सब्सक्रिप्शन गेट यू एक्सेस टू ऑल आर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ एनी ऑफ डिवाइस। किसी भी डिवाइस पर ये हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है? इसके बाद आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, शेयर कर दीजिए और सभी लोग आ जाइए। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, लास्ट में स्टेटिक क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, 15 क्वेश्चन है। पहले करंट हम देखेंगे, जिस समय दिल्ली में देख ही रहे चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है ये फॉर्मर वाला जो चले आएंगे। इसमें कुछ हमारे वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, उसके लिए भी चर्चा में है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एक करके। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, अबाउट मी, दिस इज अमित कुमार हियर, परसों डे में एंड वी हैव क्वालिफाइड यूपीएससी सीएससी मेंस, आई हैव बीन टीचिंग यूपीएससी एस्पिरेंट फॉर लास्ट 2 ईयर, टीचिंग करंट अफेयर्स एंड जियोग्राफी फॉर यूपीएससी सीएससी, ठीक है? दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन सब्सक्राइब हियर एंड गेट ऑल वीडियोज एंड पीपीटी ऑल्सो, एंड दिस इज माई एकेडमिक प्रोफाइल, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम दैट्स व्हाई यू कॉन्टेक्ट हियर एंड गेट द ऑल वीडियोज, ओके। And you can preparation with 100 plus top educator. This is, these are a super, they are a superstar of our academy. An academy, जैसे like Munals, Patel sir, and Roman Saini, Dipanshu Singh, Mudit Aman Sharma, they are superstar. Okay, now comprehensive syllabus also available here. 15,519 plus courses for UPSC CSE. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतने कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यूपीएससी सी एस सी के दो टाइप के यहाँ पर चलाए गए, प्लस आइकोनिक। प्लस में देखेंगे, प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, इतनी चीजें मिलती हैं, जिसमें से आप मिनिमम 12 मंथ का लेते हैं तो आपको इसमें फायदा रहता है। मिनिमम 12 मंथ का लेंगे 49,500 का कोड अप्लाई करिए MK10, जैसे अप्लाई करते हैं तो आपको यू विल गेट 10% डिस्काउंट, यू हैव एंड यू हैव टू पे ओनली 44,550। 24 मंथ का लेते हैं तो 72,000 का है कोड अप्लाई करेंगे, AMK10 AMK10 लगाना मत भूलिएगा, AMK10 जैसे लगाएंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आपको पड़ेगा ये 64,800 का। 36 मंथ का लेते हैं तो 90,000 का कोड अप्लाई करने के बाद 81,000 का पड़ता है। खुशबू तिवारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर। चलिए इसमें आगे देखते हैं, आइकॉनिक में लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेल्स एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, इतनी सारी चीजें मिलती हैं। इसके साथ और भी कुछ ऐड किया गया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, आप और ले सकते हैं, बाद में मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा अभी क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं उसमें। 69,500 का कोड अप्लाई करेंगे, 62,550 का। दिल्ली में आप देखें, किसी भी कोचिंग में जाएंगे इससे सस्ती कहीं नहीं फीस मिलेगी। दिल्ली में भी कई कोचिंग में पढ़ाता हूँ आपका ऑफलाइन, आप देखेंगे वहां पर इससे सस्ती कहीं नहीं है। ये बहुत सरल है, बहुत इजी है इसमें पढ़ना, और क्योंकि पैसे भी नहीं, EMI पे भी है व्यवस्था, यहाँ पर EMI पर ले सकते हैं, ठीक है? 24 मंथ का लेते हैं तो 1,07,000 का कोड अप्लाई करने पर 96,300 का, 36 मंथ का लेते हैं तो 1,41,000 कोड अप्लाई करने पर 900 का, ठीक है? इसके बाद आप ऑप्शनल ले सकते हैं, ऑप्शन लेंगे तो ये वहां से आप 24 मंथ का लेते हैं तो 27,500 का कोड अप्लाई करने पर 24,750 का है, 24 मंथ का लेते हैं तो 40,000 का कोड अप्लाई करने के बाद आपका 36,000 का पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे 36 मंथ का जो है वो 50,000 का कोड अप्लाई करने के बाद आपको 45,000 का पड़ता है, ठीक है? अगर आपको जल्दबाजी है तो आप 6 मंथ का ले सकते हैं, कि थोड़ा कम टाइम है आप लेना चाहते हैं तो आप 20,000-50,000 का पड़ जाएगा। लेकिन रिविजन करना है, इफ यू वॉन्ट टू रिविजन अगेन एंड अगेन, तो ये आप लेंगे इसका 5,000 का एंड कोड अप्लाई करिए, आफ्टर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड यू हैव टू पे ओनली 4,500, ठीक है? आप इसको पाएंगे।
इसके बाद देखिए अनअकैडमी में अनअकैडमी समिट होने वाला है जो कि आपके 30 जनवरी 30 या 31 दो दिन चलेगा ये समिट हमारी। इसमें आप ले सकते हैं सभी विजय विश्वकर्मा आ गए हैं। हाय सर, हाय डियर, इसमें आप आदि इसमें अनअकैडमी समिट होने वाला, सभी लोग इसमें वो करिए पार्टिसिपेट करिए। इसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं। द हिंदू ग्रुप इसे एसोसिएटेड कर रहा है, एसोसिएटेड विद द हिंदू ग्रुप एंड लेट्स क्रैक इट। इसमें बताया जाएगा आप कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करें अपने सीएससी प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी के लिए। ठीक है, मैं रजिस्टर कर ली है सर, खुशबू ने कहा मैंने रजिस्टर कर ली है। अच्छा, क्या कर लिया बेटा रजिस्टर, किसमें कर लिया है? इसमें अनअकैडमी के कॉम्बैट पे। और अगर आपने मेरा अगर बैच लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप मेरा कोड जरूर यूज करिएगा AMK10। ठीक है, AMK10 यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग माय डियर विश्वकर्मा। और चलते हैं आगे, समिट 30 को होने वाली, जनवरी 30 और 31 को। और यहाँ पर जो आने वाले हैं समिट को, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ अच्छा किया है आपने जो ज्वाइन कर लिया, रजिस्टर कर लिया। स्पीकर्स आने वाले हैं इसमें कौन कौन से, पी चिदम्बरम जो आपके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, इसके बाद आपके कपिल सिब्बल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए, और ये कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने बच्चों को आंदोलन के लिए उसमें काम किया था, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के ऊपर काम किया इन्होंने। इसके बाद दुर्गा शक्ति नागपाल, ये डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अशोक खेमका, ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसीवर आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम हरियाणा के हैं, ये भी इसमें साथ में। हरभजन सिंह इंडियन क्रिकेटर, ये भी इसमें आ रहे हैं। अजीत रनाड़े, ये चीफ इकोनॉमिस्ट एंड आदित्य बिरला ग्रुप के हैं। कुमार विश्वास, इंडियन हिंदी पोएट पॉलिटिशियन एंड लेक्चरर। और आपके अनिल स्वरूप, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड प्रवीण काशवान, ये है हमारे IFS ऑफिसर फॉरेस्ट के, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। ये सभी लोग इसमें आ रहे हैं। इसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, देखिए इन्हें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या होने वाला है। इसमें दो आपके इनसाइटफुल डेज होंगे, इसमें दो दिन चलेंगे जो आपके सबसे दिन अच्छे होंगे। इसमें बताया जाएगा, गाइड करेंगे कि आपकी UPSC की जर्नी कैसी होनी चाहिए, स्पेशली डिजाइन किया गया इसके लिए, कैसे वो काम करेंगे, कैसे क्रैक करना है, आपकी जर्नी कैसे हेल्प होगी आपकी जर्नी के लिए, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे लोग। आइकॉनिक स्पीकर होंगे 70, और आपका टॉक एंड डिस्कस होगा इसमें, और हैंड्स ऑन वर्कशॉप कैसे आपको करना है, और ये हमारी सबमिट होगी ऑनलाइन। ऑनलाइन आप ले सकते हैं इसमें से, टेक्निक लेंगे आप ऑनलाइन, इसमें लेंगे आप क्लासेस को, इसको सबमिट को, सेशन को ज्वाइन करिए आप 30 या 31 को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 7 फरवरी को 2021 को 11 बजे से आपका कॉम्बैट टेस्ट है, इसमें भी आइए आप ज्वाइन करिए इसको। और यहाँ पर भी आप अपने अपनी योग्यता को, जो आपकी कैपेसिटी है, आप यूपीएससी देना चाहते हैं, जरूर इसमें ज्वाइन करिए। केवल 60 मिनट का होता है, एक घंटे का है। आप इसमें देखिए कि आप कितना आता है, आपको कितने इंटेलिजेंट है, कितना कम है। यहाँ बेस्ट एजुकेटर इन्होंने बनाया है। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट, 6 सेक्शन, रिलेटिव स्कोरिंग फर्टनेटली आपका अल्टरनेट संडे में होता है। इसके बाद देखेंगे रैंक फर्स्ट टू रैंक थर्ड तक जो आएगा उसको मिलेगा थ्री मंथ का आपका है यूपीएससी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन। और जो रैंक 4 to 150 आएगा तो वो आपका पड़ेगा 1000 का अमेजन वाउचर मिलेगा उसके। ठीक है, इसके बाद देखेंगे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, आइकॉनिक जो अभी अपडेट हुआ है उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, कनेक्टेड विद योर पर्सनल कोच अपने कनेक्ट हो सकेंगे, अपनी मेन सेंट्री सीरीज के साथ अपनी प्रिपरेशन बढ़ाएंगे, कस्टमाइज जो स्टडी प्लान है कैसे कम करके पढ़ाया जा सके, बूस्टर सेशन दिए जाएंगे, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप कराया जाएगा, आंसर राइटिंग डेली कराई जाएगी, प्रिपरेशन विद डेली कंटेंट के साथ आपको कराया जाएगा। ठीक है, कॉम्बो भी ले सकते हैं, कॉम्बो यहाँ पर लेंगे 12 मंथ का है। इसके बाद 88,705 12 मंथ का लेंगे तो 1,31,510 का, 36 का 1,67,000 220 का है, 12 मंथ का लेंगे आप तो 70,103, 24 मंथ का 99,680, 36 मंथ का 1,21,200 का। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे मेरी एक आपका 1 PM पर हमारी स्पेशल क्लास होगी, कहाँ पर, ऐप पर, अनअकैडमी के ऐप पर, वहां पर डेली हो रही है मेरी 1 बजे 1 PM पर, आप ज्वाइन करिए उसको, मेरे उसमें आएंगे आप अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां ज्वाइन करके आप उसे वो कर सकते हैं, वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगी। चलिए चलते हैं न्यूज पर, है ना डियर, चलो न्यूज पर देखते हैं। स्टेच्यू ऑफ गोविंद वल्लभ पंत गेट्स अ न्यू होम, ये चर्चा में है, द हिंदू का न्यूज पेपर है, द हिंदू में दिया था, आया है न्यूज में ये, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, पहले सबसे पहले शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, शेयर और कर दें लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाइए इस पे। विजय, खुशबू,
और जो भी और दो तीन लोग हैं जो इसमें और जो आते जा रहे हैं ये आ जा रहे हैं वो भी इसे शेयर करें जल्दी से फटाफट इस पे आइए फटाफट। गीतांजलि गरिमा सभी लोग इसमें आ जाइए और इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ जाइए ठीक है। कम फास्ट चलिए इसमें आप देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें देखते हैं गोविंद पंत के बारे में देख लेते हैं इसमें क्या कहा उन्होंने गोविंद पंत के बारे में। परिषद में इसमें कह सकते हैं संसद परिषद में हटाए जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की प्रंतक जो देखो गोविंद वल्लभ पंत अब इसमें भी यही है इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट कैंपस, ध्यान से समझना पंत गेट्स अ न्यू होम, आप समझना इस बात को यहाँ पर यह कहा जा रहा है गोविंद वल्लभ पंत को क्या किया जा रहा है स्टेच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर वल्लभ पंत दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट परमिशंस रिसेंटली वुड बी अनवील्ड एट न्यू लोकेशन। जैसे अभी आपने वीर सावरकर का नाम सुना ना, वीर सावरकर जैसे मैंने इसके पहले न्यूज में बताया था उनको भी आपके यूपी में आपके जो हमारे विधानसभा लेजिस्लेचर हाउस है वहां से उन्हें हटाया जाए, उनके कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को ठोस पहुंचा रहा है, जो वहां के लोग हैं जो पहले से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको ठोस पहुंचाया जा रहा है। सेम ऐसे संसद परिसर से हटाए जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा का हाल ही में स्थान का अनावरण किया गया है ठीक है। तो इन्हें ये उस तरह से नहीं हटाया गया, संसद परिसर से हटाए गए थे स्वतंत्रता सेनानी बहुत टाइम पहले, तो हाल ही में इनके नए स्थान का अवरण किया गया है, न्यू होम मिला इन्हें ठीक है। तो रिमूव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट कैंपस, आप इसमें देखेंगे पंत का जन्म क्या इस वजह से चर्चा में आ गया ठीक है। गुरुद्वारा रखा एंड आप पंडित पंत मार्ग और ये सारे इसमें यहां से आप इसमें देखेंगे पंडित पंत मार्ग के नाम से हियर वेडनेसडे ऑफिशियल सेट ट्यूजडे इसमें कहा गया है। इनके सिर्फ इतना किया गया है कि इन्हें नया हाउस दिया जा रहा है द इसमें और इसे कौन कर रहा है द अर्बन, आप इसमें कहेंगे क्या नाम इसे देंगे कि इसमें आप देख सकते हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड द CPWD प्लांट द ग्रेडिंग सेरेमनी फॉर द स्टेच्यू ऑफ जीवी पंत ऑन वेडनेसडे। अब इसमें स्टेच्यू को बनाया जा रहा है, इनका नया स्थान दिया जा रहा है, इनकी प्रतिमा का हाल ही में नए स्थान पर आवरण किया गया है। तो इनका हटाया नहीं गया, हटाया किने गया था वीर सावरकर को, तो इन्हें सिर्फ ये कहा गया था उस टाइम पे हटाए गए थे जब ये उसमें थे ठीक है। और इन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्हें माना जाता है और इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इन्होंने कि क्या क्या इन्होंने क्या कहां से रहेंगे। हमारे लोकसभा के MP चेयरमैन ऑफ द जीवी पंत मेमोरियल सोसाइटी और इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की थी इन्होंने ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ये तो न्यूज आपको देखी गई लेकिन और आपको मैं डिटेल में इनके थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर ठीक है इन्हें गोविंद वल्लभ पंत ठीक है गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया था, इनका जो जन्म हुआ 10 सितंबर आपको यहाँ पर मैं बताता जाऊंगा 10 सितंबर 1887 में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा कहां पड़ता, उत्तराखंड में माइडियर, उत्तराखंड में पड़ता है ये, वहां पड़ता है काशीपुर में। उन्होंने प्रेम सभा नामक जो काशीपुर आपका यूपी में पड़ता है काशीपुर में इन्होंने क्या किया था एक प्रेम सभा नामक का नाम गठन किया था, इसका सेटअप किया था। सेटअप करने के बाद इन्होंने कहा कई सुधार किए इन्होंने स्थापना करने में, ब्रिटिश सरकारों करों का भुगतान न करने के लिए स्कूल बंद होने से बचाया। जब ब्रिटिश शासन ने क्या किया था कि स्कूलों को बंद कर रहा था कि आप टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो टैक्स से बचाने के लिए भी इन्होंने काम किया था, उस पर स्कूल बंद नहीं होने दिए इन्होंने, ये भी इनका काम था। लिखते जाना जो आपको अच्छा लगे इसमें से ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ फिर बाद में ये मत कहना कि सर ने नहीं बताया। वो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्र भारत जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वाज द फर्स्ट CM इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कैसे रहे, फर्स्ट CM रहे उत्तर प्रदेश की पहले। और इन्होंने 19 काम किया यहाँ पर, गृह मंत्री के रूप में भी काम किया है 1955 से लेके 1961 तक इन्होंने काम किया एज अ गृह मंत्री होम मिनिस्टर। और इनके कार्यकाल के दौरान इन्हें भाषाई आधार पुनर्गठित भी किया गया था, इन्हीं के टाइम पे भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ था इन्हीं के दौरान हुआ है ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा गांधी के नक्शे दम पर चलते हुए गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे। और इनका जो 1930 में ये क्या हुए थे, गिरफ्तार भी हुए थे देहरादून में ये गिरफ्तार भी हुए। और इसके बाद इन्होंने साइमन कमीशन का भी विरोध किया, इन्होंने साइमन कमीशन का भी विरोध किया था
ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध किया। इसके बाद इन्होंने कह सकते हैं 1957 में 1957 पद को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला इन्हें, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया इन्हें, सम्मानित किया, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। दो चीजें इन्हें मिली हैं, भारत रत्न दिया गया इन्हें और सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें इन्हें मिली हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कभी अगर कोई चीज और भी दिक्कत हो तो आप इसमें पूछ लेंगे सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो वो भी बता दूंगा। लेकिन जो चीज अच्छी लगे इसमें लगे कि हाँ ये चीज लिखना चाहिए मुझे, तो उसमें जो चीज नहीं पता है वो भी चीज आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अपने पास रख लें लिख के, जिससे आपको याद बन रहा है या आप एक बार में समझ लें इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। इसमें से गहलोत गवर्नमेंट अप्रूव का एम सैंड यानी एम रेट पॉलिसी फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, ध्यान से समझना है इसमें से। ये भी न्यूज में है, न्यूज में कैसे आपको कहेंगे जो हमारे ये आपका एम सैंड की बात जो मैं कर रहा हूं, ये आपके जो आप कहेंगे सॉरी ग्रीन, ये हमारा एम सैंड से है। इसमें आप कहेंगे जो हमारे यहाँ के गहलोत जो है कहाँ के, राजस्थान के सीएम है ये, राजस्थान गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बता देते हैं आपको कि इनका क्या, इन्होंने क्या बात कही और क्यों। तो इन्होंने सीएम ने कहा कि इट विल प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर द इंडस्ट्री, ये अप्रूव करेगा, गेम चेंजर के रूप में काम करेगा ये। और इसके बारे में इन्होंने इस चीज की बताई, इन्होंने कहा कि कैसे काम करेगी आगे, उन चीजों के बारे में यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें थोड़ा सा आप वेट करेंगे। चलिए इसमें देखेंगे राजस्थान ने क्या, राजस्थान गवर्नमेंट ऑन मंडे को उन्होंने क्या किया था, मच अवेटेड पॉलिसी ऑन मैन्युफैक्चर्ड सैंड। एम सैंड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड के नाम से मैन्युफैक्चर की जा रही सैंड को, बालू को, जिससे क्या होगा ये फायदा करेगा गेम चेंजर इंडस्ट्री के लिए, बहुत फायदेमंद होगा और साथ में हमारा पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होगा, एक तरह से इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अब सैंड जब खुदेगी नहीं, नीचे से जमीन से नहीं निकाली जाएगी और ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो सोचो आप कितना फायदा होने वाला है कि मतलब आपका इन्वायरमेंट भी नुकसान नहीं हो रहा और बहुत सारी चीजें आपकी बचती जा रही। इसमें से ये हो जाएगा आपका कि आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें जैसे कि आप अगर चाहते हैं ना कि इसमें क्या किया जाए, इसमें कि आप नीचे जैसे कि हम बहुत ज्यादा खोदते हैं उसमें से माइनिंग करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपके जो लैंड स्केल आप कह सकते हैं कि वो आने लैंडस्लाइड्स आने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं, मतलब आपके भूस्खलन होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उन चीजों से बचा जा सकता है और हमें ये जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, जैसे बजरी बोलते हैं बालू को वैसे, तो इन चीजों को आप देखेंगे रिवर सैंड होगा या बजरी आप कहें या आप ऐसे नाम दे सकते हैं, गांव में बजरी बोला जाता है वही नाम इसमें दिया गया। तो इसमें निर्माण के लिए, इसका निर्माण करने के लिए इकाइयों का उद्योग दर्जा देती है और बजरी नदी किनारे के रेत पर निर्भरता कम करेगी, कि नदी किनारे जो हमारे रेत है उस पर डिपेंडेंट ऑन द बजरी, यानी इसमें क्या क्या जाएगा, इसमें कम पड़ेगा, काम कम होना रिड्यूसिंग करेगा जो जरूरत है उसमें बजरी में आने की, तो वो आप नदी से निकालने की जरूरत कम पड़ेगी। ये पॉलिसी बहुत अच्छी है इसमें। और इसमें कहा गया कोर्ट हैड बैंड द इलीगल माइनिंग, वैसे भी कोर्ट ने इलीगल माइनिंग को बैंड किया हुआ है 2017 में ही कर दिया था, तो उससे भी लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से उपयोग एम रायत इकाइयों को संदर्भ में सक्षम करेगी, ये पर्यावरण के मामले में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। 2017 में जो रोक लगाई गई थी उसके अनुसार भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन देगा, इट विल ऑल्सो हेल्प इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द जनरेट फेथ अमंग द पब्लिक इन द एफिशिएंसी एम सैंड कंस्ट्रक्शन वर्क, इसमें भी काम करेगा, मदद करेगा हमारी। ठीक है, ये हमारा गेम चेंजर के रूप में होगा जो एक बदल सकता है या पूरा बदल ही रहा है, एक सीन ही बदल दे रहा है, क्योंकि आपको जरूरत थी अभी वहां से निकालने की जरूरत पड़ती थी कि हमें माइनिंग करनी है, माइनिंग के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही मना किया था कि आप नहीं कर सकते, ये सारी चीजों के लिए रोक लगाई थी, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को फायदा। एम सैंड होता क्या है, किससे बनता है ये मैं बता दूं, एम सैंड कैसे बन रहा है आपको यहाँ पर बताना है। ये हमारा एक तो एनवायरमेंटल रिलेटेड है पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, ये बनता कैसे उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर टच्ड 70 मिलियन टन बाय द वुड मेड बाय द न्यू पॉलिसी, इसके में क्या होगा 70 मिलियन इसमें कम से कम इसमें कंस्ट्रक्शन में शुरुआत किया जाएगा इसके। ठीक है, माइंस मिनिस्टर प्रमोद भाया ने इस चीज को बताया है कि डिमांड सैंड की इतनी जरूरत है उतना हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि बनती कैसी है ये एम सैंड।
तो एम सैंड के बनाया कैसे जाता है, इसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाएगा एम सैंड का, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। एम सैंड का जो मैन्युफैक्चर होगा माय डियर, तो ये होगा ऐसे रेत कंक्रीट के लिए, नदी की रेत का एक विकल्प है ये। कैसे बनाया जाएगा ये, जो आपका ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट है ना, अर्थ क्रस्ट के ऊपर वाला पार्ट ग्रेनाइट से ही है वैसे। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर से, ग्रेनाइट स्टोन लिया जाएगा, उसे कुचला जाएगा, तोड़ा जाएगा है ना, ब्रेक किया जाएगा, ब्रेक या डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उससे कुचली हुई रेत से इसे क्या होगा, गिरे हुए किनारों से घनाकार आकार में, आकार को के होती है, जिससे निर्माण सामग्री में धोया या वर्गीकृत किया जा सकता है इसे। तो जैसे तोड़ने के बाद इसमें क्या होगा, इसे फिर रेत में बदलता जाएगा, इसे मतलब आप कह सकते हैं 4.7 mm में इसे तोड़ा जाएगा, इतना तोड़ा जाएगा कि 4.7 mm की हो जाए, एक इसका जो रवा हो, इसका एक पार्टिकल हो, वो कितने का हो जाए, 7.5 mm का हो जाए, इतने इतने घनिष्ठ तक तोड़ा जाएगा इसको। इसमें ये हमारा कैसा हो सकता है, धूल मुक्त होगा ये, इसमें डस्ट नहीं होगी, डस्ट से फ्री होगा, डस्ट फ्री होगा ये, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें से, इसमें आसानी से इसे नियंत्रण कंट्रोल किया जा सकता है और इसे ग्राइंडिंग को पूरा करें, और इसमें यह है कि अनुपात अच्छी तरह से, इसमें कार्बनिक या घुलनशील यौगिक शामिल नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कार्बनिक जो एलिमेंट्स हो वो शामिल हो। इसमें सीमेंट की सेटिंग के समय गुणों को प्रभावित करते हैं, सीमेंट जैसे आप इसमें डालेंगे तो वो भी इसमें इफेक्ट पड़ेगा, जैसे आपके नॉर्मल बालू में होता है, सैंड में होता है, वैसे ये भी करेगा, ताकत उससे ज्यादा ताकत रहेगी इसमें, और ये गाद की तरह चिपकेगा इसमें। अशुद्धियां इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इसमें इम्प्योर हो, प्योर है एकदम, ये इम्प्योर नहीं है, ठीक है, प्योर है, ठीक। इस चीज को हम जानेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, इंटरनेट सबसेंडेड अंडर रेयरली यूज एक्ट है, ध्यान समझना। दिल्ली में कल आप देख रहे थे कि आपने न्यूज में देखा होगा, बहुत आप बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था, आपने इस चीज को देखा, ठीक है। आपने क्या देखा कि न्यूज में कल यहाँ किसानों ने क्या किया, वहां वहां लाल किले में कैपिटल में घुस गए, इंटर कर गए, और वहां पर गोला, वहां पर काफी बवाल हुआ, और साथ में आपके देखे कि साथ में जो पुलिस थी वहां उन्होंने आंसू गोले छोड़े, आंसू गोले भी छोड़े वो भी एक्सपायरी डेट के थे, ठीक है, आंसू गोले जो छोड़े वो भी एक्सपायरी डेट के थे, जो आंदोलनकारी थे तो उन्होंने उसको लिया और दिखा रहे थे कि ये वो है। इसमें जो इंटरनेट बंद कराया गया कहीं और ज्यादा वायलेशन ना हो जाए इस चीज को लेके, तो उन्होंने क्या किया उसमें सस्पेंड करने का जो आया है इंटरनेट करने का, वो कानून आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो आपका जो आंदोलन से रिलेटेड चीजें कल के आंदोलन में नहीं रिलेटेड, वो तो MSP पे बवाल हो रहा है, तो वो तो MSP एक ही बिल रहेगा, बिल पे है, बाकी उनके अंदर आने का और जाने का इससे कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये जो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ट्यूसडे को क्या किया है, कल ही जब ये बवाल हुआ तो वहां पर सस्पेंड कर दिया, इसको हटा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया था रात में 12 बजे तक के लिए। फिर इसके बाद फिर उन्होंने रात में ही जब नहीं संभला कुछ तो फिर उन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया, और अब ये 10 बजे तक खुल गया था, ठीक है, वहां पर तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अब वो खुल चुका है दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो एक्ट, जिस एक्ट के तहत हटाया गया, सस्पेंड किया गया ना, उसे बोलते हैं टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017, ये आप कह सकते हैं ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, आप इसे नाम दे सकते हैं, ये इसी नाम से आपका एग्जाम में आ सकता है कि ये बताइए कि द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 क्या है, इससे क्या किया जा सकता है। तो आपको इसमें बताना है कि सर ये हमारा एक टेलीकॉम से रिलेटेड वो है, एक्ट है, जिससे हम उसे टेलीग्राम को, जैसे कि आपने वहां जम्मू कश्मीर में देखा कि हटाया, सस्पेंड किया गया था, तो यहाँ भी उसी तरह से सस्पेंड किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप कहेंगे कि जो हमारा हिंसक विरोध है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1950, इसमें अस्थायी रूप से सस्पेंशन का टेलीकॉम सर्विसेज की जो 2017 में जरूर आया था उसके तहत सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन कैसे, अस्थायी रूप से मतलब हमेशा के लिए नहीं, मतलब थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए ऐसा किया जा सकता है। ये 19 से 20 सितंबर 2019 में हायर हाइट कह सकते हैं ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस टाइम पे भी ये किया गया था दिल्ली में, आप कह सकते हैं दिल्ली में, और दिल्ली को नागरिकता संशोधन नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की ऊंचाई पर था ये अधिनियम के दो बार पहले भी जारी किया गया था 19 को और 20 को, जब 2019 में जब ये आया था हमारा बिल आया था कौन सा सिटीजनशिप CAA बिल,
उसमें भी ऐसा हो चुका था। इसके बाद देखेंगे 2017 में तय किए गए इसके कुछ चीजें हैं जिसमें देखना है हमें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सचिव जो गृह सचिव इंटरनेट सार्वजनिक रूप से जैसे बंद कर दिया, ये तत्काल इमरजेंसी के रूप में इन्होंने कहा कि इमरजेंसी है ड्यू टू पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए इन्होंने ऐसा किया, बंद किया। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। तो ये हमारा जो इन्होंने बंद किया होम सेक्रेटरी एंड आप कह सकते हैं सेक्रेटरी एंड स्टेट्स होम सेक्रेटरी यूनियन होम सेक्रेटरी दोनों ने इसको दोनों को पावर है इस चीज का लगाने का, तीन दोनों ने इसको बंद किया। इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें बंद होती हैं और इसमें थोड़ा सा और यहाँ पर मोर फोर्सेस इन दिल्ली, जैसे अमित शाह ने कहा कि 90 मिनट मीटिंग इन रेजिडेंस इन्होंने डिस्कस किया इस चीज के बारे में और इन्होंने डिसाइड किया कि इसे पार्लियामेंट्री फोर्सेस के द्वारा एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्स लगाया जाए, विल बी डिप्लॉयड इन दिल्ली एंड द सीनियर ऑफिसर्स सेड मिस्टर, आप कह सकते हैं इन्होंने भी इस चीज को देखा कि कैसे इसको डिप्लॉय किया। लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे भारत सरकार ने भारतीय क्षेत्र के भीतर पहली बार वायर्ड और वायरलेस संचारों की स्थापना या रख रखाव संचार लाइसेंस निगरानी के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत किसके तहत? एक्ट 1885 के तहत। ठीक है, इसकी धारा एक धारा है इसमें धारा सेक्शन नंबर 5, इसका एक्ट का सेक्शन नंबर 5 आता है। सेक्शन नंबर 5 के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसको आपातकालीन इसे घोषित कर सकती है, जैसे यहाँ पर किया। यहाँ पर कौन है? यूनियन होम सेक्रेटरी और आपके स्टेट्स होम सेक्रेटरी दोनों ने किया। इसको पावर मिलती है इसके एक्ट के सेक्शन नंबर 5 के तहत, इसके तहत ये पावर अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किया गया है। इसमें अखंडता के हितों को रक्षा करना, मतलब आपका यहाँ पर वायलेशन ना हो इन चीजों को बचाना, अखंडता एकता को बचाने के लिए हम इसको संप्रभुता अखंडता इन्हें बचाने के लिए हम इसका करते हैं उपयोग करते हैं, रोकने की अनुमति दी गई राज्य को। ठीक है, ये चीज इसलिए चर्चा में रहा है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें चर्चा में है तालिबान। ठीक है, यूएस तालिबान इसको देखेंगे चर्चा में है। यूएस तालिबान, यूएस तालिबान क्यों चर्चा में है, इसका इसका कारण क्या है और इसके साथ साथ भी हम देखेंगे ग्रीन टैक्स और हम आपका ये ऑफिसर्स पद्म अवार्ड और एक आपका मैंने बार बार एक आ रहा है इसमें से, वो मैंने लिखा नहीं है, मैंने इसलिए नहीं, एक मैं बता देता हूँ वैसे आपको कि बार बार इसमें एक एक न्यूज आ रही थी कि जैसे कि फिलिस्तानी वाला सीन था ना, फिलिस्तानी का जो आपको मैंने बताया था, ये वेस्ट बैंक वाला, कहाँ पर वेस्ट बैंक, जो इसराइल ने क्या किया था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि बार बार बहुत बार न्यूज में आया है, ये पूछा भी जा सकता है इस बार कि मैंने ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में ये आपका पड़ता है, यहाँ पर क्या पड़ता है? इजराइल। इजराइल में आपके यहाँ पर पड़ता है वेस्ट बैंक और यहाँ पड़ता है जॉर्डन और ये इजिप्ट, तो ऐसे करके ये एरिया आता है और इसके बाद आपका लेबनान सीरिया ऐसे ये एरिया, तो यहाँ पर ये फिर से चर्चा में आ गया। चर्चा में क्यों? अमेरिकी जो राष्ट्रपति जो बिडेन है, प्रशासन ने घोषणा किया कि फिलिस्तानियों के संबंधों को बहाल कर रहा है बिडेन फिर से, और फिलिस्तानी शरणार्थियों को सहायता प्रदान कर रहा है राष्ट्रपति बिडेन ने। प्रशासन ने घोषणा किया है कि ऐसा ऐसा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था इजरायली जो है इजरायली, तो वो क्या कर रहे हैं, इजरायल की सरकार है वो इनसे मेड इन इजरायल प्रोडक्ट तैयार करा रही है और प्रोड्यूस भी करा रही है, इस वजह से चर्चा में रहा है, बार बार इसमें आ रही है। और इसका जियोग्राफिकल जरूर देख लें, इसमें यही युद्ध है, वही चीज मैंने बताया कि 1948 में जॉर्डन ने इसको कब्जे में ले लिया था, 1948 या 1949 भी आता है, जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था, फिर 6 डेज का 1967 में 6 डेज का युद्ध हुआ जिसमें से आपका इजराइल था एक तरफ और तीन कंट्री एक तरफ थी, कौन कौन सी? इजिप्ट और आपके जॉर्डन और आपका सीरिया, ये तीनों एक साथ थे, लेकिन ये इन्हें हरा दिया और इसने इसका ऑक्यूपाइड कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कहा जा सकता है, तो यही चीज बार बार आ रही थी, इसमें कोई इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, आप इसे देख लेंगे। तालिबान का देख लेते हैं, तालिबान वाला ये न्यूज में है, बिडेन ने यूएस तालिबान पीस डील अभी हुई है इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। बिडेन ने क्या कहा है? द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड दैट इट विल बी रिव्यूड द यूएस तालिबान डील टू सी द तालिबान आर एबल टू कीप देयर एंड देयर एंड ऑफ द वार गेम। ध्यान समझना इसमें, ब्रिटेन ने कहा है कि यह देखने के लिए अमेरिका तालिबान सौदे की समीक्षा करेगा, प्रशासन ने कहा कि यह देखने के लिए कि अमेरिका तालिबान के सौदे की समीक्षा करेगा और क्या तालिबान सौदेबाजी के अंत तक सक्षम है या नहीं है इस चीज को देखेगा। तालिबान आर एबल टू कीप देयर एंड ऑफ द बार्गेन, या आपको सौदेबाजी के अंत करने में सक्षम है या नहीं है इस चीज को देखेगा। ठीक है, अब यूएस तालिबान डील में हुआ क्या है पीस में, तो आपको ये बताना है, पीस डील बिटवीन द यूएस गवर्नमेंट एंड तालिबान दोनों के बीच में ये डील हुई है। ठीक है, वो साइन 29 फरवरी 2020 में हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी, उस पर डील हुई थी, उस पर फिर से आया, तो बिडेन आप क्योंकि 2019-20 में हुआ था तब हमारे कौन थे,
तब थे आपके डोनाल्ड ट्रंप, अभी बिडेन आया था, बिडेन ने कहा हम इसका रिव्यू करेंगे, फिर से इसका रिव्यू करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हम इसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ये डील जो है यूएस और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यानी नाटो, ट्रूप्स टू लीव अफगानिस्तान, यहाँ ध्यान समझना है, इसमें अमेरिकी सरकार ने तालिबान के बीच एक जो समझौता हुआ, इसमें ये सौदा है कि अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अमेरिकी और उत्तरी अटलांटिक संगठन जो नाटो है सैनिकों को बुलाता है, ठीक है, यह सौदा अफगानिस्तान छोड़ने के लिए इन्हें बुलाता है यहाँ पर, और साथ में ये कहता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ पीस अफगानिस्तान फॉर इंडिया, ध्यान समझना इसमें, ये भारत के लिए, ये भारत के लिए बात हो रही, थोड़ा सा भारत की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक, भारत ने स्थायी शांति और भारत ने भी क्योंकि इस ट्रीटी में शामिल है नाटो में, ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी चर्चा में आ रहा है। इंडिया हैज कॉल्ड फॉर अ रिन्यूड एफर्ट फॉर द एस्टैब्लिश एंड्यूरिंग पीस ऑफ एंड स्टेबिलिटी एंड द पुटिंग एंड एक्सट्रीमली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड वायलेंस अफगानिस्तान, ध्यान समझना इसमें, इसमें क्या हुआ है कि इसमें आप कह सकते हैं कि भारत ने स्थायी और शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए इसे नए सिरे से प्रयास किया, अफगानिस्तान के बाहरी से रूप से प्रयोजित आतंकवाद और हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया था, भारत ने भी कहा था कि आप इसे कम करिए, खत्म करिए, उन्होंने बुलाया, इस चीज को कहा भी था, इकोनॉमी नहीं कह देते हैं, इट इज अ गेटवे टू ऑयल एंड मिनरल सेंटर एशियन रिपब्लिक, ध्यान समझना, आर्थिक रूप से तेल और खनिज में संपन्न मध्य गणराज्यों का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं तालिबान और अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान में इसमें देखेंगे साथ में समझौते में 14 महीने के भीतर नाटो गठबंधन सेना की संख्या नीचे लेना लाने के लिए अमेरिकी सैनिक वापसी है, वापसी हो रही है इसमें, तीन में कहा जा रहा है इस चीज को, और इसमें साथ में इसमें कहेंगे 14 मंथ के डील के बाद हुआ इसमें 14 मंथ में इसे क्या करना है, कम से कम 14 महीने के भीतर भीतर नाटो जो है हमारा नाटो जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, तो नाटो कह जा रहा है कि नाटो के साथ नाटो का या गठबंधन सेना की गठबंधन सेना की संख्या को नीचे लाने की कम किया जाए और अमेरिकी सैनिकों को वापसी किया जाए। इसमें तालिबान द्वारा मुख्य विरोधी प्रतिबद्धता ये है, ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के मुख्य मेन काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो क्या कह रही है, बाय तालिबान के द्वारा वो क्या कह रही है, तालिबान विल नॉट अलाउ एनी इट्स मेंबर, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई भी मेंबर या वहाँ का जो अलकायदा है वो कह रहा है कि हम यहाँ पर कोई भी समूह या कोई भी व्यक्ति को यहाँ अनुमति नहीं देंगे, अदर इंडिविजुअल और ग्रुप, चाहे वो ग्रुप में हो और चाहे वो इंडिविजुअल हो, इंक्लूडिंग अलकायदा, चाहे अलकायदा क्यों ना हो, यूज द सॉयल ऑफ अफगानिस्तान एंड थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसो, इनको धमकी दी है कि अगर आप आते हैं यहाँ घुसते हैं तो आपके लिए खतरा होगा, हम मानेंगे नहीं, हम आपके ऊपर वार कर देंगे, ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें से ग्रीन वाला पीआईबी की नोट्स है, पीआईबी से उठाया है इसको, ग्रीन टैक्स टू बी इम्पोज एंड ओल्डर व्हीकल सून, ठीक है, ये अभी टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट एंड पासिंग आउट अनफिट एंड पुलिंग व्हीकल, ध्यान से इस बात को समझना है और आगे चलना है इसमें देखना है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम क्या चीज देखेंगे इसमें से, आप देखेंगे इसमें कि केंद्रीय सड़क परिवहन जो पुराने वाहनों को ग्रीन टैक्स लगाने के लिए जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगाने के, जो आप कह सकते हैं पॉल्यूटिंग व्हीकल्स जो हमारे हैं जो पुराने वाहन हैं उनमें क्या किया जा रहा है, इनमें जो टैक्स लगाने के जो पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं उनमें टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं कि उनमें टैक्स लगाया जाए, ग्रीन टैक्स क्यों प्रदूषित कर रहे हैं उनमें थोड़ा ज्यादा लगाया जाए, सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को कह सकते हैं डिग्रेडेशन स्क्रैपिंग नीति के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ठीक है, इसमें ये बात क्यों कही जा रही है, और यूनियन मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री आप कह सकते हैं नितिन गडकरी ने कहा है, इसको अप्रूव किया है इस प्रपोजल को और इन्होंने ग्रीन टैक्स इसका नाम दिया, इन्होंने कहा जो ओल्ड व्हीकल जो पुराने वाहन है उनको एनवायरमेंट से हटाया जाए और प्रपोजल किया कि नाउ गो टू द स्टेट एंड फॉर द कंसल्टेंट बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड, इससे पहले आपको नोटिस दिया जाए उससे पहले आप इसके बारे में कंसल्टेंट कर ले, साथ में यहाँ पर द मेन प्रिंसिपल ऑफ फॉलोड द व्हाइल लिविंग ऑन द ग्रीन टैक्सेस, ठीक है, ध्यान से क्या है ग्रीन टैक्सेस में आप इसमें कह सकते हैं, इसमें आप ये कहेंगे कि सर इसमें एक चीज किया गया है व्हीकल नॉट देन ओल्डर देन 8 ईयर 8 साल से पुराना नहीं होना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, अगर उसमें है तो उसमें कुड बी चार्ज ग्रीन टैक्स एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल 15th सर्टिफिकेट, उसे फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा जो 10-25% ऑफ द रोड टैक्स का होगा उसको लेना पड़ेगा, रिन्यूअल कराना पड़ेगा, और इसमें व्हीकल टू बी चार्ज ग्रीन टैक्स टाइम टू टाइम इसमें रिन्यूअल कराया जाएगा इस टैक्स के लिए, और ये 15 साल के लिए होगा, कितने साल के लिए होगा रजिस्ट्रेशन के 15 साल के लिए होगा, और ट्रांसपोर्ट सिटी बसेस जैसे हैं इन चीजों को भी ध्यान दिया गया है, हायर टैक्सेशन 50% रोड टैक्स का रखा गया है,
ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये डिफरेंट टैक्सेस है डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इन पे भी, टाइप ऑफ व्हीकल पे भी रखा गया है कौन कौन सी, सीएनजी में कौन कितना लगेगा, एथेनॉल में कितना, एलपीजी में कितना लगेगा, इन सभी चीजों पे अल्टरनेट फ्यूल्स के तहत इनमें अलग अलग चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है। इस चीज को बात कही जा रही है इसमें से। और आपको व्हीकल यूज ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग के लिए यूज होते हैं जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर, इनमें भी कह रहे हैं बी एग्जेम्प्टेड, इनमें भी शुरुआत करने के समानुसार रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रेन टैक्स, यहाँ भी ग्रेन टैक्स लगाने की बात कही जा रही है। और साथ में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी प्रदूषण तो फैलाते ही फैलाते हैं, इमिशन करते हैं, तो इनका मॉनिटरिंग किया जाए, ठीक है। और इसमें इनको पोल्यूशन को टैग किया जाए, टैकलिंग किया जाए इसको। इसके बाद आप देखेंगे डिसेबल्ड पीपल फ्रॉम यूजिंग व्हीकल्स व्हिच डैमेज द एनवायरनमेंट टू मोटिव एंड द पीपल व्हिच द नेवर लेस पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। ध्यान समझना इसमें, इसमें मेन आपका मुद्दा ये है कि हमें इसे कैसे कंट्रोल करें, इसे कैसे बचाया जाए, और इन सब चीजों से कैसे 10 से 25 गुना जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसकी तुलना में जो 2000 से अभी तक देखा जाए तो कम मिलेगा 1% या प्रदूषण लगभग 15% कुल वाहनों को, 15% से पुराने वाहनों में अगर देखा 10 से 25 गुना प्रदूषण करते हैं, अगर नए वाहन है तो 15% तक मान लो, और उनसे 15% एक्स्ट्रा 20 से 25 गुना, 10 से 15 गुना उनका ये ओल्डर परिवहन है वो और ज्यादा पोल्यूट करते हैं, ठीक है। जो नए वाहन है उनका कितना होता है टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है अगर देखा जाए तो उनका होता है 15% अगर हो रहा है तो इनका समझ लो कि उनके 10 से 25 गुना इनका ज्यादा होता है ओल्ड का। तो आप ये इसको बचाया जाए, इससे कम किया जाए तो ये चीजें हमें फायदेमंद होगी। हमें 1 अप्रैल 2022 तक इसे कम करना है पूरी तरह से और ये हमें इफेक्ट में ले आना है कि ये कम हो जाए और दिक्कत ज्यादा ना हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इस बजट के बारे में देख लेते हैं। One of the most short and off budget, Union budget is labeled a fiscal deficit and such as nearly worst by rating agencies. Rating agency के द्वारा ये अभी देखा गया है इसको कि both inside and outside the country, country के अंदर और country के बाहर that was the most government want to be restricted their fiscal deficit and respectable. जैसे मैंने अभी बताया था कि fiscal deficit अगर देखा जाए तो भारत में कितना पहुंच गया है जो पूरे टोटल एनुअल बजट का लगभग 120% पहुंच गया है। ये बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत गड़बड़ स्थिति है इसकी, इसको सुधारना चाहिए। लेकिन नई सरकारें अब ये कोरोना का इसका कारण मिल रहा है, कोरोना, ठीक है, कोरोना इसका मेन कारण रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि और ज्यादा दिक्कतें आए इसमें, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि कैसे इसको कम किया जाए, कैसे इसे बचाया जाए, और ये इतना ज्यादा अगर हमारा नीचे गया है तो फिर इसमें क्या, इसमें क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारी जो डिफिसिट है वो ऊपर आ जाए। तो ये बोरिंग जो हो रहा है, उधार ले रहे हैं कई सारे, जैसे मैंने बताया था कि स्टेट्स थे उसी से रिलेटेड है, इसमें कुछ नया नहीं है। और स्टेट्स थे, स्टेट जो आपका लेता है, सॉरी स्टेट जो लिया था बोरो वो लगभग 43% प्लस ले लिया था और वो टैप में फंस चुके हैं पूरी तरह से, मतलब जाल में फंस चुके हैं उधार के, बाहर नहीं निकल पा रहे, वो भी आप कह सकते हैं। उसके लिए कहा गया था उधार लेने का, इनका जो बोरोइंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है 292 के तहत आर्टिकल, और जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है 293 आर्टिकल के तहत लेती है। इन दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे और इसके कहां से लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड से, तो ये आपका संचय निधि नहीं कह सकते आप, तो वहां से लेना पड़ता है इसको। और ये चीजें इसमें कैसे लिमिट है इसकी, क्या चीजें ये आपको पढ़ना है उसमें, इसी चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं पद्म अवार्ड, ठीक है, पद्म अवार्ड के बारे में चलते हैं, इसमें देखेंगे पद्म अवार्ड के बारे में, ठीक है, ये चर्चा में रहा पद्म अवार्ड। इसमें आपको देखेंगे 7 पर्सनालिटीज हैव बीन अवार्डेड द पद्म विभूषण, 7 ऐसी हस्तियां थी जिनको पद्म विभूषण के लिए अवार्डेड किया गया अभी, हाँ, अभी 10 नेम फॉर द पद्म भूषण, 10 पद्म भूषण के लिए है, 7 पद्म विभूषण के लिए है और 102 नेम पद्मश्री के लिए है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कभी भी आता है तो 7 पर्सनालिटी है किसके लिए, पद्म विभूषण, और जो आपकी 10 है, 10 है आपका पद्म भूषण, और आपके जो 102 नेम है वो पद्मश्री के लिए है, ठीक है, ये सभी में काम आएगा, हर न्यूज वाला देख सकता है इसको। इसमें से कहेंगे पद्म अवार्ड आर द वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया अनाउंस एनुअली ऑफ द रिपब्लिक डे, कह रहते हैं कि एवरी ऑफ रिपब्लिक डे, प्रत्येक रिपब्लिक डे में ये पूर्व गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित करा जाता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है भारत का, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनमें से एक है, इस माना जाता है पद्म अवार्ड को।
ये अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट, ये हमारा एक करता है जो इन्हें पहचान करता है कि ऑल फील्ड ऑफ एक्टिविस्ट एंड डिसिप्लिन आर वेयर द एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व। ध्यान समझना, ये उन्हें इन्होंने उन्हें दिया जाता है ये, जो सभी देश क्षेत्रों में उपलब्धियां पहचान करता है, जैसे कि आप देखें जहां सार्वजनिक सेवा हो तब शामिल होता है, ये उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, जिसे हर साल प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है और इसे पुरस्कार को तीन श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन से तीन है, जैसे मैंने बताया कि कैटेगरी में से एवरी ईयर दिया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इसके द्वारा, और ये तीन कैटेगरी में दिया जाता है। कौन कौन से, तो पद्म विभूषण जिसे दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, जो आपके एक अलग एक मतलब कह सकते असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए इसे पद्म विभूषण दिया जाता है, ये सबसे टॉप होता है पद्म भूषण, जो आपका डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, इसमें देखो उत्तम क्रम की प्रतिष्ठित सेवा, उत्तम क्रम की प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है जो बहुत अच्छी सेवा कर रहा हो। पद्म श्री अवार्ड दिया जाता है, ये भी हमारा कैसा है, ये आपकी प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है, उत्तम है, उत्तम के लिए दिया जाता है आपका भूषण, और आपके जो असाधारण और ऐसा किया तो उसे पद्म भूषण, तो आपको बताना पद्म भूषण में सर सात है, और आपके भूषण के लिए पद्म भूषण के लिए आपके 10 है, और पद्मश्री के लिए जो है हमारे वो आपके 102 है। ठीक है, पद्म भूषण आप समझ लीजिए, पद्म भूषण किसके लिए दिया जाता है, जो आपके असाधारण काम करे और प्रतिष्ठित सर्विस करे। दूसरा है जो प्रतिष्ठित सर्विस करे हायर उच्च हायर कह सकते उच्चतम क्रम उच्चतर क्रम में या ऑर्डर पे, तो उसे पद्म भूषण, जो आपका एक सेवा करता है प्रतिष्ठित सेवा करता है उसे पद्मश्री। उनमें से आपके ये नाम है, एक तो पहली बार जिन्हें फर्स्ट नाम दिया गया है पद्म विभूषण में वो है शिंजो आबे, ये जापान के पब्लिक अफेयर्स इन्हें कहा जाता है, ये है इन्हें दिया गया है शिंजो आबे को, ये पहले शिंजो आबे वहां के पीएम थे, कहां के आप जापान के, तो उन्हें भी दिया गया है इस चीज को, इन्होंने असाधारण काम किया है। दूसरे जो थे एसपी बाला सुब्रमण्यम जो खत्म हो गए अभी हाल ही में, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, ये अब सिंगर थे अभी खत्म हुए, ये भी न्यूज में है। थर्ड जो है हमारे आपके पद्म विभूषण के लिए बता रहा हूँ, जो थर्ड है हमारे वो कौन है, द बाला मणप्पा होगड़े, ये आपका मेडिसिन कर्नाटका, ये भी इसमें मिला है। चौथे जो है आपके ये हैं नरेंद्र सिंह कपानी से, ठीक है, और आपके हैं जो पांचवे हैं वो है मौलाना वहीदुनिया खान, इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म दिल्ली में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसके रूप में, स्पिरिचुअलिज्म में काम करते हैं। तीसरे हैं बीबी लाल आर्कियोलॉजी दिल्ली, इन्हें मिला है, और आपके हैं सुदर्शन साहू, ये हमारे आर्ट उड़ीसा, इन्हें आर्ट में काम करते हैं, ये भी उड़ी आर्ट के मामले में इन्हें दिया गया है। कितने लोगों को यहाँ पर नवाजा गया है इससे, बाकी को आपको पद्म भूषण इसमें है तो उनको आप पढ़ लीजिएगा लिस्ट को, वो लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट है आकाश नाग मिसाइल, आकाश और नाग मिसाइल दोनों एनजी, आकाश में अगर देखें आकाश एनजी डीआरडीओ के द्वारा, ये पहली बात तो ये बता दें डीआरडीओ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है सक्सेसफुली मैदान लॉन्च आकाश एनजी न्यू जनरेशन, सॉरी एनजी नाग वाला नहीं, ये न्यू जनरेशन है, सॉरी मैं ही भूल गया था, अभी उससे मैंने एक बार बताया था थर्ड जनरेशन इसको लॉन्च किया गया है, थर्ड जनरेशन इसमें आकाश का नहीं, आकाश का नहीं हुआ था वो, सॉरी नाग का ही हुआ था, वही मुझे बार बार याद आ रहा है, नाग का थर्ड जनरेशन लॉन्च हुआ था। ठीक है, आकाश को लिए अभी इस बूस्ट ये कह सकते हैं बूस्ट एक्सपोर्ट है ना, बूस्ट एक्सपोर्ट के लिए इसमें कहते आयात के रक्षा आयात के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बूस्ट करने के लिए न्यूज में था, इसकी शुरुआत की जा रही बेचने की, तो न्यू जनरेशन इसके हाल ही में मैदान में आप कह सकते हैं सबसे मैदान ऑफ आकाश नाग एनजी जो है हमारी मिसाइल है, तो उसको न्यू जनरेशन मिसाइल है, इसको सफल परीक्षण किया गया है इसका, आकाश एनजी पीढ़ी के सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, और इसमें भारतीय युवा सेना और उसका पैतरेबाजी जो सरफेस टू एयर मिसाइल है पहली बार तो आप ये जाने, और ये हमारे क्या है मेड बाय द इंडियन एयर फोर्स एंड द एम ऑफ द इंटरसेप्टिंग हायर मैन्यूवरिंग लो आरसी एरियल थ्रेट्स, आप इसमें कह सकते हैं इसमें क्या कहेंगे कि आकाश जो एनजी है एक नई पीढ़ी है सरफेस टू हवा, और ये पैतरेबाजी पर काम आरसी खतरों से बचाने रोकने के उद्देश्य से किया जाता है इसको, इसलिए चर्चा में रहा है। नेक्स्ट नीचे काम करते हैं भारत पर्व 2021, ये भी चर्चा में, ये क्यों चर्चा में, इसका इट इज मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज बाय एवरी ईयर, ये प्रत्येक साल किया जाता है ये मेगा, इसमें किस टाइम पे किया जाता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के टाइम पे इसको भी किया जाता है, भारत पर्व के रूप में मनाया जाता है इसको। इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2016 से स्टार्ट किया गया था,
ठीक है। और ये इवेंट जनरेटेड पैट्रियोटिक फेवर फॉरवर कह सकते हैं फॉरवर एंड शो केसेस एंड रिच एंड वेरिड कल्चर डेंसिटी डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, मतलब कह सकते हैं ये हर साल मनाया जाता है। इसमें इस कार्यक्रम में क्या भावनाओं को पैदा करना परिकल्पना की गई है और समृद्ध या विविध संस्कृतियों की विविधता को प्रदर्शित करने का काम है। 2021 में कह सकते हैं कि भारत पर्व जो है ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी आप कह सकते हैं पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा इसका और आयोजन किया जा रहा है इस बार, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका न्यूज है एक, इसमें बांग्लादेश कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक परेड, ध्यान से समझना है इसमें ये सब पॉइंट, ये ध्यान से देने वाला पॉइंट ही, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसमें आप बात कही जा रही है, इसमें बांग्लादेश वाले में आप देखेंगे तो बांग्लादेश में आप ये कह सकते हैं सर इसमें जो ये बांग्लादेश कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड में फॉर द फर्स्ट टाइम 122 मेंबर जो 122 में 12 सदस्यीय मजबूत दल ने भाग लिया है, पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारे भारत में काम किया है। नई दिल्ली ढाका सेलिब्रेट्स 15th एनिवर्सरी ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर के बाद से देखा जाए 1971 में, क्योंकि अपने आप को गठित किया था, बना था ये नया एक कंट्री के रूप में, अपने आप को घोषित कर दिया था इसने बांग्लादेश ने पूरी तरह से, ठीक है। और इस टाइम से ये भारत में आया है, पहली बार ऐसा हुआ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। इम्पोर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द 1970 वॉर में इम्पोर्टेंट डेथ क्या थे ड्यूरिंग दौरान क्या इवेंट थे, नेवी एंड सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑपरेशन जैकपॉट ड्यूरिंग द वॉर एंड डिस्ट्रॉय 26 एनिमी शिप इन द सी पोर्ट एंड रिवर पोर्ट, ध्यान समझना है इसमें। इसमें कहा जा सकता है 85 वर्षगांठ मनाते हुए इस दौरान की घटनाएं, थोड़ा सा लड़ाई के दौरान की घटनाएं बता देता हूँ। बांग्लादेश जैकपॉट सफलतापूर्वक संचालन किया था जिसमें 26 जहाजों को नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिस्ट्रॉय 26 एनिमी शिप्स और इसमें इन द सी पोर्ट एंड रिवर पोर्ट पर, ठीक है। बांग्लादेश एयर फोर्सेस कंडक्टेड 50 सक्सेसफुली स्ट्राइक ऑन द एनिमी टारगेट एज अ पार्ट ऑफ किलो फाइट, कह सकते हैं इसे ये हमारा कह सकते हैं किलो फाइट के हिस्से के रूप में दुश्मन के ठिकानों 50 सफल हमले किए हैं इसने दामीपुर में बेस में, कह सकते हैं कहां पर दामीपुर में बेस, बेस से इंडिया, ठीक है, भारत में यहां से सफल ठिकानों पर सफल हमले किए हैं इसने, दुश्मन दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया है इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है और ये इस बार भारत के उस परेड में शामिल रहे। आगे चलते हैं गैर, इसमें एक न्यूज और है आपकी जो इसमें दिख रहा है आपको, व्हाट इज नॉन प्राइस कंपटीशन, व्हाट इज नॉन प्राइस कंपटीशन इसके बाद देख लेते हैं। इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन रिफर्स टू कंपटीशन बिटवीन द कंपनीज दैट द फोकस ऑन बेनिफिट्स एक्स्ट्रा सर्विस गुड वर्क वर्कमैनशिप प्रोडक्ट इक्वालिटी पुल्स प्लस एंड अदर फीचर्स एंड मेजर्स दैट डोंट इन्वॉल्व अल्टरनेटिंग प्राइसेस इट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द प्राइस कंपटीशन इन व्हिच रिवर्स ट्राई टू गेन मार्केट शेयर बाय रिड्यूसिंग देयर प्राइसेस, ध्यान समझना इसमें से। इसमें कहा जा रहा है गैर मूल प्रतियोगिता क्या है, गैर मूल प्रतियोगिता की कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा संदर्भित करना जो लाभ के अतिरिक्त सेवाओं को अच्छी कारीगरी उत्पाद की गुणवत्ता इन सभी चीजों को इसमें ध्यान देंगे और इसमें उपायों को ध्यान केंद्रित करेगी जिसमें कीमतों को फेरबदल किया जा सकता है, फेरबदल शामिल नहीं है इसमें, फेरबदल नहीं किया जाएगा, नॉन प्राइसिंग कॉम्पिटिशन। और इसके आप कह सकते हैं इसमें साथ में इस चीज को इसमें और थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे क्या चीजें इसमें और ध्यान देने वाली चीजें हैं वो ये है कि बाजार में इसलिए शामिल करने की कोशिश की गई मूल में इसमें कैसे प्रतियोगी अक्सर जो प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों के द्वारा अपनाया जाता है। इसमें देखेंगे प्राइवेसी प्रोटेक्शन स्टडी बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ द CCI सेट, इसने क्या कहा इस बात को लेके चलेंगे यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर इतना ही है। इसमें साथ में डाटा जो शेयर करती है वो 25 जनवरी आप कह सकते हैं 2021 को नीदरलैंड सरकार ने जलवायु के शिखर सम्मेलन को आप इसमें भी मेजबानी की गई नॉन प्राइस। एक और भी न्यूज थी मैं सोच रहा था उसे बता दूं लेकिन अब इसमें जगह नहीं है तो उसको भी बताने का सोच रहा था, चलो उसको बता देंगे हम बाद में, ठीक है, लास्ट में क्लास के बाद में बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, सभी लोग इसमें आ जाइए क्वेश्चन में, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे अभी यहां से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 वाज ड्यू टू द इशू ऑफ, ध्यान से देखना है आंसर देना है इसमें से, सभी लोग इसमें आ जाइए शेयर कर दीजिए इसको क्वेश्चन, इसमें करेंगे हम आज।
सभी लोग आ गए, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 वाज ड्यू टू द इशू ऑफ, कह सकते हैं इसमें से, यानी 1907 में कांग्रेस का विभाजन होने के क्या कारण था? इंक्रीजिंगली रिलीजियस टोन्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय, इसमें कह सकते हैं ये पहला नंबर ये है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिकता को बढ़ाना, रिलीजियस टोन्स बढ़ाना इंक्रीजिंगली। दूसरा, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट लेड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में राजनेतृत्व वाले विकास की आर्थिक कह सकते हैं कि विकास आर्थिक विचारधारा, मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की पद्धति, और ग्रांट ऑफ कंसेशन ऑफ द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को रियायतों का अनुदान। जल्दी से इसमें आंसर दे दीजिए। जल्दी से आप आ जाइए इसमें। कौन कौन आंसर दे रहा है? आप तब तक आंसर दीजिए, और भी लोग दे दीजिए आंसर। अनुराग का सी आया हुआ है, और कौन देगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दे दीजिए। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की पद्धति। चलिए इसमें बताना है कैसे क्या है, इसमें कौन से इसमें होने का कारण क्या है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन होने का कारण क्या है, इसमें मेथोडोलॉजी का स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की पद्धति है, या और कुछ है? जल्दी से आंसर दीजिए। सिर्फ इन्होंने अनुराग ने दिया है और कोई नहीं दे रहा है। दूसरा, चलिए इसमें देख लेते हैं, ये एकदम सही जवाब है। इन्होंने ही इसे खिलाफ जब शुरुआत की गई थी ना, इसके खिलाफ तभी ऐसा हुआ था, नहीं वाकई इसका नहीं, दोनों क्योंकि अलग 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 दोनों, एक नरम दल एक आपका गर्म दल, दोनों थे, उनमें से दोनों की यही बात हुई थी, वो अपने तरीके से काम करना चाहते, अपने तरीके से काम करना चाहते, दोनों के विचारों में अलग अलग हुआ है, और दोनों के करना दोनों एक ही चाहते थे, ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष करना चाह रहे थे, लेकिन ये बताना चाह रहे थे कि हमारा आपका मेथोडोलॉजी अलग है, हमारी मेथोडोलॉजी अलग है, दोनों की बात हुई तो दोनों इसमें अलग हो गए थे 1907 में, तो आप इस चीज को यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है? तो सी नंबर इज द राइट आंसर। सेकेंड आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द लखनऊ सेशन 1916 वॉज स्पेशल इन द मेनी रिस्पेक्ट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916 कई मायनों में महत्वपूर्ण था, इस अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? इसमें बताना है कि कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है? और इसके बाद है, इट मार्क द रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, इस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी पुनः संगठित हो गए थे। एकदम इतने अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं ना इसमें कि आपको, एनी बेसेंट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन, एनी बेसेंट लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्ष थी। जल्दी से आंसर दे दीजिए। अनुराग का भी आ गया आंसर, यानी एक और दो आया अनुराग का। अंबिका चरण मजूमदार चेयरमैन पर्सन थे, हाँ राइट, चेयरपर्सन अंबिका मजूमदार ही थे, आपका एकदम सही जवाब है। एनी बेसेंट नहीं थी यहाँ पर, एनी बेसेंट पहले महिला है लेकिन यहाँ पर नहीं थी। और कौन देगा? एकदम सही जवाब है आपका 1 और 2, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा सही है। अंबिका प्रसाद इसमें थे और इसमें लखनऊ में ऐसा हुआ था, नरम पंथ और गरम दल दोनों आए थे, इसी पे एक
वो भी हुआ था इसमें, कह सकते हैं एक भाषण दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी में वर्ड का यूज किया गया था, शुरुआत किया गया था इसी से, लखनऊ समझौते में हुआ था 1916 में, विधानसभा अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के लिए भी सहमत किया गया था, मुस्लिम लीग मिल गई थी इसमें से, तो दोनों के इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं है, एनिमेशन वाला नहीं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा नंबर, जल्दी से बताना है कौन सा होगा इसका तीसरा। 1917 कलकत्ता में थी, हाँ 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी थी, पहली महिला है। चलिए इसमें होता दूसरी महिला सरोजिनी नायडू थी। इसमें चलो चलते हैं, द एल्बर्ट वेल कंट्रोवर्सी इज सेड टू बी अ हाई वाटर मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, दिस इज बिकॉज इट इन्वॉल्व इश्यूज ऑफ एल्बर्ट वेल विवाद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महान विभाजक माना जाता है, क्योंकि इसमें है सिक्योरिटी लैप्स ऑन द इंडियन बॉर्डर स्पेशली द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, विशेष उत्तर पश्चिमी सीमा पर भारतीय सीमाओं पर सुरक्षा चूक। दूसरा पॉइंट है आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन, भारतीयों और यूरोपियों के बीच नस्ली भेदभाव। तीसरा सेपरेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज, आपके ने भारत सरकार द्वारा लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड नेशनलाइजेशन बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन और उनका राष्ट्रीयकरण। इसमें से बताना है कि कौन सा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड, टू ओनली, वन एंड टू एंड टू एंड थ्री एंड वन एंड थ्री। जल्दी से बताना है क्या विवाद किसके लिए महान विभाजन माना जाता है। ए नंबर अनुराग का आया है, ए नंबर है। चलिए और कौन देगा आंसर इसका, और इसका आंसर कौन देना चाह रहा है, आंसर को देना नहीं चाहता, आके चले जाते हैं सिर्फ। अनुराग का एकदम सही जवाब है, ये हमारा क्या विभाजक महान विभाजक माना जाता है, किसके लिए माना जाता है, ओनली टू के लिए, यानी आपका सिर्फ दो है, एक और तीन नहीं है, थी ओनली टू। रेशियल आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड यूरोपियन, भारतीय और यूरोपियों के बीच में नस्ली भेदभाव के कारण ऐसा हुआ था और इसे शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, और अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैं और आपको बता दूं थोड़ा सा, लॉर्ड रिपिन के टाइम पे इसमें कह सकते हैं, लॉर्ड रिपिन ने भारत में प्रचलित दो कानूनों को समाप्त करना चाहता था, लॉर्ड रिपिन, ठीक है, उस टाइम पे लॉर्ड रिपन था, और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, ये जो हमारा दो कानूनों का था जो, तो उनको ये क्या करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। खत्म करने के बाद कानून प्रणाली को इसमें यूरोपीय मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जा सकती थी, इसमें यूरोपीय और भारतीयों के बीच नस्ली भेदभाव हुआ। फिर इसके बाद इसमें सीपी एल्बर्ट जो है 1883 में, इसे इनका पूरा नाम है सीपी एल्बर्ट लॉ मेंबर थी, इन्होंने न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया उसमें, लेकिन यूरोपीय लोगों ने विधेयक को अत्यधिक विरोध किया इसका, और इसमें विरोध हुआ तो इसमें इन्होंने क्या किया, 1,50,000 रुपए का फंड जुटाया, यहाँ तक कि उन्होंने 1,00,000 जो आपके यूरोपियों ने जो किया तो उन्होंने फंड भी जुटाया, इसका विरोध भी किया यूरोपियों ने कि आप गलत कर रहे हो, और इसके लिए उन्होंने 1,50,000 1.5 लाख जो रुपए जो है इन्होंने इकट्ठा किया। और डिफेंस एसोसिएशन एक इन्होंने संगठन भी बनाया जिसका नाम था डिफेंस एसोसिएशन का इसको सेटअप किया, और इसका सेटअप करने के बाद इन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय नागरिकों की सुनवाई की जाए बजाय भारत के अंग्रेजी शासन को समाप्त करना बेहतर था, और इससे इसके बाद इन्होंने देखा कि इंग्लैंड में ये यहाँ पर भारत सरकार द्वारा स्थानीय और समाचार पत्रों को नहीं राष्ट्रीयकरण किया गया था, इंग्लैंड में ऐसा हुआ था, इंग्लैंड में जो रिपिट ने इंग्लैंड में अंग्रेजी संतुष्टों को बिल में संशोधन किया और प्रेस के मुद्दा को प्रकाशित किया था, इंग्लैंड में किया था, यहाँ पर नहीं किया गया था, तो ओनली टू सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से आंसर दे दीजिए, आपके सामने बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। इसका दीजिए आपके सामने स्क्रीन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में विचार कीजिए, इट वाज ऑर्डर्ड बाय लॉर्ड कर्जन द वायसराय ऑफ इंडिया, ये भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसमें है प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी वॉज अडॉप्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिवीजन, विभाजन के विरोध में स्वदेशी कार्यक्रम को अपनाया गया था। इसके
इसके बाद इट वॉज एनुअल आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। इसमें कौन सा आंसर बी नंबर इन्होंने दिया है, अनुराग ने बी दिया है, और कौन देगा इसका आंसर? बहुत इजी है ये, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, बी है कि ए है, सिंपल सी चीज है, सबको नजर आ रहा है। अनुराग ने इसका बी दिया है और कौन देगा, सिर्फ आके चले जाते हैं, देते नहीं है इसमें आंसर। एकदम सही जवाब है, ये रद्द थोड़ा ना किया गया था, ये तो हमारा ये हमारा क्या हुआ था 1912 में, तो इसको फिर से मान गए थे ना बात को हमारे, तो 1912 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है, जो विभाजन वाला कानून था उसको रद्द कर दिया गया था। ये क्या था 1912 में, 11 में इसका आदेश आ गया था, 1912 में इसको रद्द कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था विभाजन को। और पहला एकदम सही है, और ये हमारा वैसे शुरुआत देखा जाए तो अगस्त 1903 से शुरुआत हुई थी इसकी, ऑफिशियली कह दिया गया था, और ये हमारे प्रोग्राम स्वदेशी आंदोलन इसको भी अपनाया गया था, दोनों इसको सही है, 1 और 2, 3 नहीं इसका सही। चलिए आगे चलते हैं, इसमें से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हाउ इज द वर्ड स्वदेशी डिफरेंट फ्रॉम द बॉयकॉट? ध्यान समझना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में स्वदेशी शब्द बहिष्कार से अलग कैसे था, बहिष्कार से अलग कैसे था? स्वदेशी वॉज एसेंशियल इकोनॉमिक मूवमेंट, बॉयकॉट वॉज नॉट। बहिष्कार के विपरीत स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था। दूसरा है, वॉज स्वदेशी अट्रैक्टेड द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द इंडियन सोसाइटी, बॉयकॉट अट्रैक्टेड द हायर स्ट्रेटा। ध्यान, जहां स्वदेशी ने भारतीय समाज के निचले तबके को आकर्षित किया, वहीं बहिष्कार ने उच्च वर्ग को आकर्षित किया। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन देगा इसका आंसर, जल्दी से दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन लास्ट है इसका, अभी पांचवा नंबर का आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या होगा। इसमें बताना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। जल्दी से आंसर फटाफट प्लीज गिव फास्ट। अनुराग ने कहा ए है इसका, ओके। बहिष्कार के विपरीत एक बार पढ़ लेना अनुराग, फिर आंसर दो, एक बार और पढ़ लो। स्वदेशी वॉज एसेंशियल इकोनॉमिक मूवमेंट, बॉयकॉट वॉज नॉट। बहिष्कार के विपरीत स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था। स्वदेशी शब्द की बात हो रही है, स्वदेशी शब्द बहिष्कार से अलग कैसे था, बहिष्कार शब्द से अलग कैसे था, आर्थिक आंदोलन था क्या ये? आप एक बार सोचो इसको, फिर आंसर दो। While स्वदेशी अट्रैक्ट द लोअर स्ट्रेटा ऑफ इंडियन सोसाइटी, बॉयकॉट अट्रैक्टेड द हायर स्ट्रेटा। ध्यान से बताना है इसको, जल्दी आंसर दीजिए। नहीं, हाँ आप सही पकड़े हो, अब बताओ आंसर क्या होगा। इसमें दोनों नहीं होंगे, क्योंकि बहिष्कार जो स्वदेशी था, हाँ डी नंबर एकदम सही है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी था ना ये, तो ना इकोनॉमी से था ना कुछ, वो केवल भारतीय भावनाओं से था रिलेटेड। अगर भावना की बात आता तो ये था, हम आप अपनाएंगे नहीं, हम रिसीव करेंगे, इस चीज की बात थी भावना। और इससे तबके, छोटे तबके बड़े तबके से कोई मतलब ही नहीं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसमें, जल्दी से फटाफट इसका आंसर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट खान अब्दुल गफ्फार खान फॉर्मड अ खान ऑफ द क्लान ऑफ नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरी द खुदाई के खिदमतगार। ध्यान से समझना, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों के एक समूह का गठन किया। सेकेंड, सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू द बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। ये बताना है आपको, आंसर देना है इसमें, फटाफट आंसर दे दीजिए इसका। हेलो, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे, फटाफट आंसर दे दीजिए इसका। अनुराग, इसका ए नंबर, अनुराग का अभी गया। ओके, और कौन देगा इसका? और कौन देगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए। और कौन दे रहा है अनुराग के अलावा? अनुराग का आ गया केवल एक। गीतांजलि ने कहा सर ए। ओके, गीतांजलि ने भी ए कहा है इसका, अनुराग ने भी ए कहा है, गीतांजलि पहले वाले घड़ी कहा। चलिए, आपके दोनों के सही है एकदम, क्योंकि सरोजिनी नायडू तो सीधा सीधी बात है कि सरोजिनी फर्स्ट नहीं है। अगर फर्स्ट इंडियन कहते तो महिला में तो ठीक था, फर्स्ट इंडियन वुमेन तो सही आ जाता, क्योंकि फर्स्ट इंडियन तो आपको सभी को पता है एनी बेसेंट थी, है ना। तो ये अब्दुल गफ्फार खान, ये एकदम सही जवाब है। खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारी एक समूह का गठन किया गया था इनके द्वारा, और ये इसलिए चर्चा में भी रहे। अगर हम इसकी बात करें और भी, इसमें खुदाई जिन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना गया, खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना गया था? खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती, है ना, लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। अहिंसक गठन एनी बेसेंट पहली महिला थी जो 17 में आईएनसी की अध्यक्ष बनी है, और सरोजिनी नायडू जो थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी, है ना, आपको याद होगा 1925 में कानपुर अधिवेशन जो हुआ था उसमें बनाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये इसमें से आंसर देना है कौन सा होगा इसका। इसका आंसर दीजिए फटाफट, अभी 5 लोग थे, जल्दी से आंसर देते रहा करिए, रुका मत करिए। इतने लोग आते हो, शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सा ना सभी लोग आंसर देना शुरू करो, एक एक से कुछ नहीं होगा, आंसर देना पड़ता है। जब सभी आंसर देंगे तभी हो पाएगा। दीजिए, पहला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्मड इन 1955 टू डिफीट द खलीफास टेंपोरल पावर, खलीफा की स्थायी शक्तियों का बचाव करने के लिए 1915 में खिलाफत कमेटी गठन किया गया। सेकंड, मोहम्मद अली एंड शौकत अली टू प्रोमिनेंट लीडर डिसाइडेड टू बॉयकॉट द खिलाफत कमेटी। मोहम्मद अली और शौकत अली दो प्रमुख नेताओं ने खिलाफत समिति का बहिष्कार करने का फैसला किया। इसमें अनुराग ने कहा डी है सर इसका। गीतांजलि आपका, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या होगा। गीतांजलि का भी डी आया है। अच्छा, अनुराग कल नहीं आया था, परसों नहीं आया, कल परसों, तो हाँ सभी लोग पूछ रहे थे अनुराग को कि अनुराग नहीं आ रहे, अनुराग नहीं आ रहे, कल तो नेट ही बंद था इसलिए अनुराग नहीं है। दिल्ली में अनुराग, दिल्ली में नेट ही बंद था पूरा, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट और लोग आंसर दीजिए इसका, क्यों दो ही आंसर देते हैं। चलिए डी आंसर एकदम राइट आंसर, एकदम सही जवाब, डी आंसर एक राइट आंसर है। ये 1955 में नहीं, 1999 में कह सकते हैं, इसको नाम दिया जा सकता है इसमें, ठीक है। ये 1999 में खिलाफत का समिति का गठन किया गया था, 1999 में कहां किया गया, 1919 में, ये बॉम्बे में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था अस्थायी शक्तियों को बचाव करने के लिए। और शौकत अली इसमें क्या कर, नेताओं ने युवा पीढ़ी के मुद्दे को एकजुट करवाई करने की संभावना के बारे में महात्मा गांधी चर्चा की थी, और इसके मुसलमानों के लाने के लिए अवसर रूप में देखा गया। 1920 में गांधी सर कलकत्ता के लिए भी देखा गया, ये सब चीजें थी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से, नेक्स्ट आपका आएगा सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ, गीतांजलि 1919 में,
चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होम रूल लीग मूवमेंट। बहुत अच्छा है, इसमें बताना है होम रूल लीग आंदोलन के बारे में, इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है होम रूल लीग मूवमेंट वॉज द इंडियन रिस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीय प्रतिक्रिया थी। सेकेंड है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड मोहम्मद मोहन मालवी, मदन मोहन मालवी सपोर्टेड द होम रूल एग्रीटेशन। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद थर्ड, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 टू लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। 1917 में रूसी क्रांति ने होम रूल लीग आंदोलन को कमजोर किया। इसे बताना कौन सा इसका आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, चार लोग हैं, आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए इसमें। जल्दी से आंसर, जल्दी फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। अनुराग कायर सी है सर, एक और दो। अच्छा, होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीय प्रतिक्रिया थी। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। 1917 की रूसी क्रांति ने होम रूल लीग आंदोलन को कमजोर किया था। जल्दी से आंसर दीजिए। और आंसर किसका आ रहा है, और किसी का नहीं आ रहा है? अनुराग का एकदम सही जवाब है, अनुराग का सी नंबर इज द राइट आंसर, 1 और 2 इज द राइट आंसर है, सही है आंसर ये। इसमें कह सकते हैं कि एनी बेसेंट और तिलक ने नई ग्रोथ शुरू की, बल्कि लाई तो एनी बेसेंट थे लेकिन शुरुआत इनकी तिलक ने पहले कर दी थी इसकी। और इसमें जो पहला जैसे दिया हमने विश्व युद्ध की प्रतिक्रिया के, जवाहरलाल मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन भी किया था इन लोगों ने। ये रशियन 17 वाला बात हो रही है 17 में, ये गलत है इसका। इसमें कह सकते हैं इसका उद्देश्य आम आदमी को स्वशासन रूप में होम रूल का संदेश देना, और 17 से रूसी क्रांति में होम रूल आंदोलन की अतिरिक्त लाभ प्रदान किया था इन्होंने। इसका रिवोल्यूशन होम रूल ने कमजोर नहीं किया था, इसे प्रॉफिट दिया था, इसका सपोर्ट किया था, कैसे डिक्लाइन नहीं कह सकते हैं, ठीक है, सपोर्टेड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गदर पार्टी वाला, ये आपको सभी को आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ये है आपका द गदर पार्टी वॉज द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है फाउंडेशन ऑफ इन पंजाब, ये क्रांतिकारी संगठन है पंजाब में इस पर स्थापित हुई है। इसका एमिंग एट द सिक्योरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराना था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अगर नहीं दे पाए तो फिर आपको बेकार है। जल्दी से आंसर दीजिए। अनुराग ने कहा बी है। अच्छा, ये एकदम सरल, इतना सरल है ना, अगर इसे इसे कोई बात ही नहीं इसको बताने में। चलिए आपका सही आंसर एकदम गीतांजलि का भी है, एकदम सही जवाब है आपका, क्योंकि फाउंडेड पंजाब में नहीं हुआ, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था ना। सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है आपका? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था ये, पहला और तीसरा सही है, इसका उद्देश्य यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्लेमिंटो रिफॉर्म, मार्लेमिंटो सुधार के बारे में बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी हमारा। अमेरिका में तो है, अमेरिका तो देश हो गया ना, अमेरिका किस स्टेट पे है? अमेरिका किस देश में है? सैन फ्रांसिस्को स्टेट पे, जल्दी से इसका बताओ, फिर मैं उसको तो बता दूंगा। कोलंबिया, कोलंबिया में है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लो, कोलंबिया मैंने बता दिया, ठीक है। एक दिन और किसी ने पूछा था मुझसे ऐसे, कोलंबिया है सर।
वो कोलंबिया बता रहे थे, सैन फ्रांसिस्को भूल गए थे वो। चलिए पार्लियामेंट्री सुधार के बारे में बताया, इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नन ऑफिशियल मेजोरिटी। पार्लियामेंट इसने केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों को बहुमत और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत को बनाए रखा। इसके बाद देखेंगे इसमें से सेकेंडरी इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय द एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी आप कहेंगे इन्हें पृथक निर्वाचन की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों को प्रतिनिधित्व सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को स्वीकार किया, लागू किया। इट ग्रांटेड फ्रांचाइज कह सकते हैं इसमें, फ्रांचाइज के लिए, या आप कहेंगे इसमें टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। इसका आंसर डी आंसर दिया अनुराग ने इसको, एक दो तीन तीनों है, इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मताधिकार प्रदान किया था, डी दिया है। और कौन देगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। मार्लो मिंटो सुधार में इन्होंने डी दिया है अनुराग ने, और कौन देगा जल्दी से आंसर दीजिए। गीतांजलि में डी दिया, अच्छा जो अनुराग दे रहा है वही गीतांजलि दे रही है। अपने से आंसर अपना थोड़ा सा एक बार और विचार कर लो, हो सकता है कि गलत हो, अनुराग हमेशा सही थोड़ा ना हो सकता है, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए, यही होगा, बदलना नहीं है। चलिए मतलब पहला सही है इनका, देखिए इसने केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों को बहुमत और प्रांतीय विधान परिषदों को सरकारी सदस्यों को बहुमत बनाए रखा, फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड है, ऐसा नहीं है सर, ओके कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। तो सेकंड है, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग, इसे प्रथम निर्वाचन को स्वीकार किया, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू की गई थी, ठीक है, एकदम सही है। तीसरा जो लिखा है इसमें, इट ग्रांटेड फर्निश द कैट टू द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल टू बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड टैक्स, ये गलत है, ये नहीं था इसमें, तीसरा वाला नहीं था, वन एंड टू ओनली आएगा। तीसरा चेंज भी होते हैं आंसर हमारे, आंसर अच्छा चेंज होते कोई बात नहीं, लेकिन इसमें बता दो 1900, देखो मार्लो मिंटो सुधार जो आया था ये 1909 में आया था ना, और 1999 में ये शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार जो आया था 1999 में आया था, 1999 में, ठीक है। मताधिकार और आपको शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार ये सब मिला था किसमें, 1919 में मिला था, भारत सरकार अधिनियम के तहत, ना कि मार्लो मिंटो सुधार के अधीन, थोड़ा सा याद रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसे बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द गुप्ता एम्पायर, ये तो पानी दे देना इसे पीने के लिए। इन द गुप्ता एम्पायर, गुप्त सम्राट में परम भट्टारक था, कौन था, काउंसिल ऑफ द पीस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शांति और संघर्ष परिषद, या मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामलों के मंत्री थे, या आप कहेंगे इन चार्ज ऑफ ग्रैनरीज अन्नागार के प्रभारी, ग्रैनरीज आर टाइटल अडॉप्टेड बाय गुप्ता किंग, गुप्त राजाओं द्वारा अपनाई गई उपाधि थी, परम भट्टारक क्या था, एंशियंट, हाँ एंशियंट, थोड़ा सा एंशियंट है, बाकी नहीं है इसमें, थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन है, इसके बाद फिर वही आ जाएंगे, टेंशन नहीं लो। एंशियंट है लेकिन ज्यादा एंशियंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन होंगे इसके बाद फिर से हमारा वही आ जाएगा, और जल्दी दो आंसर इसका, फटाफट आंसर दीजिए, दो तीन क्वेश्चन होंगे इसमें, फिर इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी, जल्दी से दीजिए आंसर। गुप्ता एम्पायर, ये प्रभा, ये आपका परम भट्टारक कौन थे, गुप्ता एम्पायर में शांति और संघर्ष परिषद यानी काउंसिल ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मंत्री थे, क्या थे, अनुराग ने कहा डी है, अच्छा ये आते ही आधी संख्या घट गई, चार बची है। अनुराग का आंसर आ गया है, और कौन देगा इसका, जल्दी से आंसर दीजिए इसको,
बी नंबर गीतांजलि अनुराग का डी आया, एकदम डी सही है अनुराग आपका, डी एकदम सही है। ये थे गुप्ताओं द्वारा अपनाई गई उपाधि थी, ठीक है, द टाइटल अडॉप्टेड बाय द गुप्तास किंग, ये गुप्ता किंग के वो थी उपाधि है। जो इसे अपनाई जाती थी। सर जी पानी पी लो, हाँ पानी तो हमने पी लिया, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इसका डी नंबर आंसर राइट है, जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका राइट है। इसमें गुप्ताओं का ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का संरक्षण किया गुप्ताओं ने, गुप्ता राजाओं ने, जो गुप्ता किंग थे इन्होंने प्रोटेक्शन दिया, किन्हें दिया, ब्राह्मणों के लिए, ठीक है, ब्राह्मणवादी धर्म का संरक्षण किया। आप इसमें कैसे वैष्णव धर्म, जैसे वैष्णव धर्म हुआ, शैव धर्म हुआ, और सात सत्य की उपासना की इन्होंने मान्यता को उदय दिया। इसे स्वयं विष्णु के आराध्य उपासक थे ये, और परम ब्लियाग भट्ट और परम भट्टारक आदि उपाधियां थी। एक अगर और आपकी उसमें देखें तो एक परम ब्लियाग वट बट ये भी इनका एक उपाधि थी, ठीक है, कभी आ जाए तो ये भी बता देना, एक परम भट्टारक भी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चोला इंक्रिप्शन मेंशन सेवरल, इसके बारे में बताना है आपको, जल्दी से आंसर दीजिए। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, अमंग देम वलंकराई गाई वाज अ लैंड, चोल शिलालेख में भूमि की कई श्रेणियों को उल्लेख किया गया, उनमें से वेलनवगाई नामक भूमि थी। वेलनवगाई नामक भूमि क्या थी, अ गिवन फॉर अ मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, किसी स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई जमीन है ये, या फिर डोनेट अ जामिया इंस्टीट्यूट जैन स्टूडेंट सॉरी जैन संस्थाओं को दान दी गई। तीसरा बिलोंगिंग द नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट प्रॉपर्टीज या गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों से संबंधित है, लेट ऑफ फॉल फैलो कल्टीवेशन, ये प्रति खेती के लिए छोड़ी गई जमीन। बी नंबर दिया है इन्होंने अनुराग ने, और कौन दे रहा है, जल्दी से दीजिए इसका आंसर। फटाफट आंसर दीजिए इसका। बताइए कैसी जमीन थी ये, बी आंसर बी सभी का आ रहा है, बी आ रहा है सभी का। चलिए बी नहीं बेटा ये सी है, बिलोंगिंग टू नॉन ब्राह्मण पीजेंट ब्राह्मण प्रेजेंट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टर्स कह सकते हैं, किसान स्वामियों से संबंधित है, गैर किसान स्वामियों से, विलन ने गाय किसान स्वामियों से था, ठीक है, विलन गाय ये इससे रिलेटेड है। अगर ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीन को क्या कहते हैं, ये देखो विलन विगाई क्या है, विलन विगाई आपको ये आपके जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी थे उनसे रिलेटेड है, ठीक है, और जो आपके ब्राह्मण से संबंधित है, जो ब्राह्मणों को दिया जाता था ना, इसमें इस ब्राह्मण से रिलेटेड नहीं लिखा, चलो ब्राह्मणों को जो दी जाती थी, ब्राह्मण को जो दी जाती थी उसे बोला जाता है ब्रह्मदे, ठीक है। इसके बाद ये ब्राह्मणों को दिया जाता था, जो साला भोग स्कूल के लिए दिया जाता था, स्कूल के लिए उन्हें बोला जाता साला भोग बोला जाता था, साला भोग, ठीक है। इसके बाद जो आपका कल्टीवेशन के लिए जुताई के लिए, इसमें जो मंदिरों को उपहार के लिए भूमि दी गई, जो आपको जैन धर्म में दान दी गई, जैसे इसमें मंदिरों के लिए जैन धर्म के लिए जैन संस्थान जैन के लिए क्या किसको दान दिया गया, जैन वालों का जो है इसमें जैन का जो आपका दिखा है इसमें डोनेट जैन इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए जो दी गई उसे बोलते हैं पल्ली चंदम, और इसका प्रति खेती लेफ्ट, इसके बाद देखेंगे प्रति भूमि के लिए मंदिर को उपहार देना प्रति भूमि, तो इसे बोलते हैं देवदान, या आप कहेंगे दोनों नाम से दे सकते हैं देवदान, एक तो देवदान तो वैसे भी भगवानों के लिए होगा, तिरुमन मट्टुकनी जो है हमारा वो इसके लिए दिया जाता है प्रति भूमि के लिए, ठीक है। तो आपको समझना है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आपका आ गया, Who among the following governors general followed the policy of non-interference with the native states? निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने देशी राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाया?
बताना है इसमें जॉन सोरे कार्नवालिस वॉरेन हेस्टिंग विलियम बेंटिंक जॉन सोर कार्नवालिस वॉरेन हेस्टिंग या विलियम बेंटिंक जल्दी से बताना है गवर्नर ने किसने देसी राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई इंटरफेरेंस विद द नेटिव स्टेट्स नॉन इंटरफेरेंस ठीक है जल्दी से बताइए इसमें जल्दी से आंसर दीजिए और आपका ए है सर इसका जॉन सोर और कौन देगा आंसर जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए इसका आंसर दीजिए और कौन देगा आंसर चलिए इसमें नहीं आ रहा आंसर चलिए मैं इसमें जॉन सर एकदम सही राइट आंसर है इन्होंने ही दिया था हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था इन्होंने सही एकदम सही जवाब है ये ठीक है गीतांजलि सी बोला नहीं बेटा ए है इसका एकदम सही जवाब ए है इसका नेक्स्ट पॉइंट है विद द रेफरेंस ऑफ वॉरेन हेस्टिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ही अबॉलिश्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल इन्होंने बंगाल में द्वंद्व शासन को समाप्त कर दिया था आप कहेंगे ही साइंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज महाराजा रणजीत सिंह उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया बताना है इसका आंसर देना है आपको क्या आंसर सही है इसका कौन सा सही है जल्दी आंसर दीजिए इसका फटाफट आंसर देंगे इसका आंसर दीजिए पहला गवर्नर जनरल नहीं पता है आपको दूसरा कि पहला गवर्नर जनरल तो सबको पता होगा कौन थे तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर ये नहीं पता तो बेकार है आपका इसी से काफी आंसर तो इसी से क्लियर हो जाएगा दो आंसर तो इसी से पता चल जाएंगे ये है कि ये है बचेंगे दो या फिर ये हो जाएंगे एक तो जो भी एक और दो में पता लग गया तो ये तीन में पता लग गया तो आंसर कट ही जाना अगर तीन नहीं है तो ये कट गया दो नहीं है तो ये कट गया एक नहीं तो ये दोनों कट गए तो आपको इसमें बताना है एक तो पता हो जाना चाहिए आपको एलिमिनेट करना सीखो ना एक बताओ कौन सा था कौन सा नहीं था एलिमिनेट कर लो जरूरी नहीं कि आप ऐसे करो नहीं आ रहा आंसर अनुराग ने ये दिया है इसी का ये दिया है क्या अनुराग तुमने चलो मैं बता देता हूं इसका केवल एक अरे भाई मेरे गवर्नर जनरल जो फर्स्ट गवर्नर जनरल तो थे ये लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल के थे ध्यान से समझना और ये पूछा गया भारत का इंडिया का कौन था विलियम बेंटिंक थे याद आ रहा है कुछ अब ऐसी अगर आपकी हालत या आपके अगर हालत रही विलियम बेंटिंक तो इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे विलियम बेंटिंक थे याद आ रहा है विलियम बेंटिंक थे
तो पहला तो ऑटोमेटिक कट गया, तो पहला कटा तो आपका ए नंबर कट गया और आपका डी नंबर कट गया, बचा ये। इसने बंगाल दो शासन को समाप्त कर दिया था, डुअल गवर्नमेंट को। एकदम सही बात है। इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग की बात की जा रही है, वॉरेन हेस्टिंग अलग चीज है। वॉरेन हेस्टिंग जब शुरू में आता, वॉरेन हेस्टिंग पहले बंगाल के वो थे, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थी, इन्होंने इसको खत्म किया था। ये बात सही है एकदम। हाँ ठीक है, तो इससे इसकी बात ये आ गई, ये इसका सही हो गया। और ये है ही वॉज साइंड ट्रीटी, कह सकते हैं ही साइंड ट्रीटी एज ए रंजीत सिंह। ये नहीं है इसका ट्रीटी, इन्होंने नहीं किया था। नेट स्लो है सर, अनुराग ने कहा। ओके, इसे जनरल मारो मिंटो के टाइम पे अमृतसर की संधि हुई थी। कब किया गया था? जनरल मार्लो मिंटो के टाइम पे ये किया गया था संधि। इसने किया था, कब किया था? जनरल लॉर्ड मार्लो मिंटो के टाइम पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which of the following pairs is not correctly matched? कौन सा correctly match नहीं है? Lord Wellesley, Front William College, Fort William College, William Bentinck Coal Withdraw, Rebellion, Dalhousie, Wooden Dispatch, Metcalfe, Vellore Mutiny। जल्दी से बताना इसमें से कौन सा होगा इसका? सही सुमेलित है, सही बताना है इसमें कौन सा है। जल्दी आंसर दीजिए, कौन से इसमें मैच कर रहा है? अफगान ने कहा ए मैच कर रहा है इसमें। फिर से एक बार देख लेना कौन मैच कर रहा है। मैच की बात हो रही है अनुराग, मैच की, कौन किससे मिल रहा है, सुमेलित हो रहा है। जल्दी से बताना है इसमें, सही बताना है। फिर से एक बार देख लेना, पढ़ लेना। गीतांजलि ने भी ए दे दिया, अनुराग ने भी ए दे दिया। अरे कुछ बदलो, कुछ सही से देखो, एक बार और ध्यान से दे लो। सही है सभी का, एक ही आंसर देना और नहीं देना कोई। ये डी नंबर सही है, मेटकैफ, बिलोर मेटिनी। वैसे देखा जाए तो मेटकैफ का जो उस टाइम पे शासन था, मेटकैफ बिलोर की जो हुई थी, ये सही सुमेलित ये है कि इसने ऐसा किया था। उस टाइम पे शासन जिसका था उसका, जॉर्ज बार्लो, बर्लो, ये इस समय प्रशासन में था और इसी दौरान बिलोर का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो मैट कैल्फ कह सकते हैं इसमें, उस टाइम पे जिस विद्रोह में शामिल थे उनके साथ है। ठीक है, गीतांजलि ने फिर सी दे दिया। सी नहीं बेटा, डलहौजी वुड डिस्पैच नहीं है। ठीक है, अब यहां से आज के हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म। आप किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कल हमारी 1 PM पर ऐप पर होगी, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास हमारी होगी। ठीक है, सबमिट पे जरूर जाएं, सबमिट होने वाली है, जो अनअकैडमी की सबमिट हो रही है 2.0, जो कि 30 जनवरी से लेके जनवरी 30, तो 31 जनवरी इसमें 2021 में इसको स्टार्ट होगी ये। इसमें आप देखेंगे इसमें कई सारे लोग आ रहे हैं, जो 2 दिन का होगा इसमें, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, सबमिट में भाग लें। इसमें बताया जाएगा कैसे आप यूपीएससी में आगे अपने आप को बढ़ाएं। ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सबमिट को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जितने समय चालू होगा, तो आप वहां पर जाकर इसको कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जिससे आपको क्वेश्चन टाइम से मिलते जाए। 4:15 पर क्लास होगी हमारी, 4 PM, 4:15 PM पर, और एक 8:45 पर जैसे रोज होती है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं उसमें भी हो गया। ठीक है, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन रखेंगे ऐसे। गवाया, थैंक यू, फिर मिलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, शेयर कर दें, लाइक कर दें,
और सब्सक्राइब कर दें। और जो हमारा कोड, अगर कोई 6 मंथ का बैच लेना चाहते हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का, तो आप यहाँ से ले सकते हो 10% डिस्काउंट के साथ। AMK10 अप्लाई करिए, ठीक है? तो बेल आइकन दबा लें जिससे टाइम से आपको आता रहे, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो। फिर मिलते हैं हम कल आपसे इसी टाइम पर, है ना, 8:45 पे।